हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिल्कुल बड़ी। तो गाइस, आज के वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को BGMI से रिलेटेड बहुत एक कमाल की अपडेट देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा, क्योंकि आप आज की वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को BGMI का ट्रेलर का जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, आप लोग सही सुन रहे हो। BGMI का जो अभी बैन, आप लोगों को पता ही होगा कि जब हमारा PUBG मोबाइल था उसके बाद हमारा जो है फर्स्ट BGMI आया था, उसका जब ट्रेलर आया था, ठीक है, उसके बाद हमारी गेम लॉन्च होती है और उससे पहले गेम हमारी नहीं आती है। कोई भी चीज़ का आप लोग देखो, सबसे पहले उसका ट्रेलर आता है, उसके बाद आपको गेम लॉन्च होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही भैया गेम आ गया बिना कोई ट्रेलर के, ठीक है। BGMI इतनी बड़ी कंपनी है तो वो लोग ट्रेलर तो जरूर बनाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है तो कल ही BGMI ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर एक पोस्ट के कैप्शन के अंदर उन्होंने लिखा था कि समथिंग वेरी स्पेशल कमिंग अप ऑन YouTube। तो ऐसा हो सकता है, देखो YouTube के ऊपर कोई उनकी चीज आती है तो उनके ऑफिशियल हैंडल YouTube के ऊपर अगर कोई चीज आती है तो वो मेरे हिसाब से ट्रेलर होगा। और यहाँ पे इन लोगों ने हैशटैग में लिखा #BGMI #India का बैटलग्राउंड #GetBack। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कि वो लोग ट्रेलर अपलोड करेंगे या फिर क्या अपलोड करेंगे? अब देखो यार, गेम तो पूरी बन के रेडी ही है तो मेरे हिसाब से वो लोग ट्रेलर ही अपलोड करेंगे। लेकिन इन्होंने गाइस अभी तक ये मेंशन नहीं किया है कि हम लोग ये एग्जैक्ट डेट, परफेक्ट ये डेट के ऊपर हम लोग जो है यूट्यूब के ऊपर वो चीज अपलोड करने वाले हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है एक दो दिन के अंदर ये लोग पोस्ट कर ही देंगे, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो कि आज जो है 24 तारीख हो चुकी है और कल 25 हो जाएगी। तो मुझे लगता है भाई आप 26 तारीख के अंदर या कल या परसों, ठीक है, कल या परसों के दिन हम लोगों को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। या तो हमको ट्रेलर देखने को मिलेगा या कुछ ऐसी चीज जहां पे हमको पता चलेगा कि BGMI की ये रिलीज डेट है, या फिर हम लोगों को प्री रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर या फिर गेम खेलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि BGMI ने एक उनके पोस्ट के अंदर बोला भी था कि गेम रिलीज होने से पहले वो सब लोगों को अर्ली एक्सेस देने वाले हैं। अभी वो नॉर्मल यूजर्स को भी मिलेगा या सिर्फ क्रिएटर्स को मिलेगा वो नहीं उन्होंने मेंशन किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो आपने जिस ईमेल से BGMI के अंदर लॉगिन किया था वहां पे आप लोगों को उस ईमेल के अंदर BGMI का एक ट्रायल वर्जन, एक हिसाब से आप मान लो ऐसा खेलने का आपको एक मौका मिलेगा। अभी मानो कि जो अभी हम BGMI के जो इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मानो कि गाइस 26 तारीख के अंदर अंदर कुछ ये लोग लॉन्च करते हैं तो उसी के साथ हम लोगों को BGMI की शायद मेरे हिसाब से 90% हूं मैं, उसी दिन हम लोगों को BGMI की रिलीज डेट भी पता चलेगी, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गेम ही आ जाए, ठीक है, 26 तारीख तक, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि BGMI इतना ज़्यादा और डिले करेगा, क्योंकि ऑलरेडी गेम तो है मेरे हिसाब से रेडी ही है। और पता नहीं इन लोगों को कुछ इस बार, आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने भैया 3 महीने का टाइम दिया और 3 महीने के अंदर कोई भी गड़बड़ लगी गवर्नमेंट को तो गेम कम्प्लीटली परमानेंट बैन हो जाएगा, उसके बाद कोई 0% चांस है गेम वापिस आने के, ठीक है। तो इसी के डर की वजह से ये लोग शायद सारी चीजें कंफर्म करके, सब सेफ्टी है ये सब देख के ही गेम को लॉन्च करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूँ। BGMI ने अभी उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर एक और पोस्ट करी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक इरेंगल का मैप है और पृथ्वी है और वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिखा है कोर मेमोरी अनलॉकेड। तो मेरे हिसाब से गाइज ये, मैं देखो 50-50% चांस है कि मुझे ये ना ऐसा लग रहा है कि ये एक हिंट है कि जो है BGMI के अंदर हम ग्लोबल सर्वर के साथ खेल पाएंगे, जैसे कि फॉरेनर्स के साथ। आप लोगों को पता है कि जब हम PUBG खेलते थे तब हम सारे सर्वर वालों बंदों के साथ खेल पाते थे, उसके अंदर सिर्फ इंडिया के बंदे नहीं होते थे, सारी कंट्री के बंदे आते थे। तो मेरे हिसाब से ये उसी का साइन मुझे लगा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कि BGMI के अंदर PUBG की तरह ही ग्लोबल सर्वर्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अगर BGMI के अंदर गाइस ग्लोबल सर्वर आए तो आपको गेम खेलने में कितना मजा आएगा ये भी मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और ई स्पोर्ट्स भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। और आप लोग आगे क्या सोचते हो ये सारे अपडेट के बारे में मुझे कमेंट में जरूर से बताना। फिलहाल तो भैया आप लोगों को आज की वाली वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी बताना कमेंट में, और आगे जो भी छोटा मोटा अपडेट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूंगा। जो भी आप लोगों को जेन्युइन चीज़ें जो मैं आपको देता रहूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसी लगेगी कि हाँ यार यार मुझे बतानी चाहिए, वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे जितना कोशिश मेरी जितना जल्दी हो सके उतना बताऊंगा। फिलहाल तो आज की वाली वीडियो के अंदर इतना ही, बस मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।